डर तो हमें भी लग रहा है, पर क्या करें, लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से जो बचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अवध बिहारी में। दोस्तों अभी अभी जो हमें कॉल आया है, ये कॉल आज का काफ़ी खास और ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जो सांप है, जैसा कि बताया हमने, ये सांप भारत का चौथे नंबर का शायद सबसे जहरीला सांप है। और कहाँ पे देखा था भी आपने? अंदर रूम में। रूम में क्या कर रहे थे आप? अट्टा चक्की पीस रहे थे। सबसे पहले तो हम दोस्तों आपको बताएंगे भैया का, भैया आपका नाम क्या है? शमशेर। और क्या करते हैं भैया आप? खेती बाड़ी करते हैं। ये भैया का खेती बाड़ी का काम है। कितने एकड़ में भैया? ये 40 एकड़ में। भैया का जो ये काम है, ये खेती बाड़ी का काम है, और आए दिन इनके यहाँ सांप निकलते रहते हैं। और जब भी इनको सांप निकलता है दोस्तों, कॉल करके हमें इनको बचाने का मौका ज़रूर देते हैं। काफ़ी ये भी जीव जंतु प्रेमी हैं, और किसी प्रकार के जीवों की ये मतलब उनको हानि नहीं पहुँचाते, उनको बचाने का बिल्कुल भरपूर प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इन्होंने सांप देखा था, वो सांप वाकई में है भी या नहीं वहाँ पे। कहाँ पे देखा था भैया आपने? इसमें अंदर में अट्टा चक्की लगी इसमें। अच्छा अच्छा। और कुट्टी काटने की मशीन है। अच्छा। कहाँ पे देखा था भैया आपने सांप को? वहाँ पे, यहाँ पर एक अट्टा चक्की है, कुट्टी काटने की मशीन है। अच्छा। तो सुबह कुट्टी काट रहे थे अभी। अच्छा। तो दोस्तों जैसा बता रहे हैं ये भैया, देखा था यहाँ पे, फिर आप देखे नहीं भैया किधर गया, कहाँ गया? नहीं, हम बाहर निकल गए थे, बाहर से गेट बंद था। अच्छा। बाहर से तो गेट बंद था दोस्तों। सांप है ही ऐसी चीज कि अच्छे से अच्छे हिम्मत वाले लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों अभी जो ये सांप देख रहे हैं दोस्तों, ये है भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर, जो काफी खतरनाक होता है, जिसमें हीमोटॉक्सिक नामक जहर होता है दोस्तों। दोस्तों ये है दुनिया का चौथा सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर, जिसमें हीमोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो रसल वाइपर है, काफी खतरनाक होते हैं, और जब ये एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो दोस्तों अपनी बॉडी को फुला के और उसमें एक प्रेशर कुकर की जैसे सीटी निकालते हैं, आवाज जैसे निकालते हैं ये। सांप तो काफी खतरनाक है, पर क्या करें, इन्हें बचाना, इन बेजुबानों का प्रकृति में रहना बने रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इन्हें ले चलें इनके प्राकृतिक परिवास में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग इन्हें अजगर समझ के इनके साथ इनको पकड़ने की, इनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, इसमें हीमोटॉक्सिस नामक वेनम पाया जाता है, जो हमारे खून को, रक्त की धमनियों को। तो चलो दोस्तों इसे हम अपने थैले में डालते हैं और ले चलते हैं इन्हें इनके प्राकृतिक परिवास में रिलीज करते हैं। चिट्टी देखो, कुकर भी डाला चिट्टी। नमस्कार जी,